सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग, एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो अभी यही ड्रेस पहने हुए, ड्रेस मीन्स साड़ी पहने हुए, क्योंकि आज फोटोशूट किए थे इस पे। तो फोटोशूट आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा राधा राजवंशी वाले चैनल पे। फिलहाल टाइम हो रहा है 4:30, और हम 4:30 से स्टार्ट कर देते हैं किचन का काम, मतलब रात का डिनर के लिए। रात का ही तो डिनर होता है, क्या बोलते हैं, मतलब डिनर का तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड आते हैं तो सोचे थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, क्योंकि वहीं थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने का मिलता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं, बस रोटी गर्म गर्म बना देते हैं उसी टाइम जब लोग खाते हैं तब, वरना अभी जो भी बनाना होता है, सब्जी भुजिया या आज तो तड़का बनाने जा रहे हैं तो बना देते हैं, तो वहीं जा रहे हैं बनाने। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो पता है एक बात, अगर ऐसे मेरे को वीडियो देखनी है तो पहले तो बोलेंगे साड़ी पहनी हो, फिर गुस्सा करेंगे, गुस्सा इसलिए करेंगे कि बोलेंगे स्वेटर नहीं पहनी। ऐसा नहीं है, स्वेटर ये वेलवेट का है तो इसमें ठंड अभी फिलहाल नहीं लग रहा है, और आज बादल जैसा मौसम किया है ना तो ठंड कम है, धूप बहुत कम किया था, बट उसी में फोटोशूट हम रिकॉर्ड किए ताकि आप लोग के साथ शेयर कर पाए। आज तड़का बना रहे हैं, उसके लिए प्याज वगैरह कट करने जा रहे हैं, और ज़्यादा ही प्याज कट कर देंगे क्योंकि सोच रहे हैं कि मतलब तड़का है तो डिनर के लिए है, बट आते हैं लोग पति देव और ससुर जी तो थोड़ा भूख लगा रहता है, तो उन लोगों को पकौड़ी बना देंगे, प्याज का पकौड़ी। पहले तो हम ये खा लेंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है चूड़ा में ये मटर डाला हुआ, तो पहले ये खा लेते हैं फिर बनाएंगे खाना। सो गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। सो गाइज, फिर आ गए हम किचन में यहाँ पे, और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे बनाने का अपना खाना जो तड़का बनाना था उसका, और यहाँ पे हम मसाला पीस रहे थे, जो भी लहसुन और मिर्च एंड जो भी गरम मसाला वगैरह डालना था वो हम डाल दिए, और हम जितना भी है हम कम मसाला में बनाने का कोशिश करते हैं ताकि टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, ऐसा नहीं कि पूरा मसाला डाल दिए और फिर हेल्थ इशू हो जाए, तो इसलिए हम पूरा कोशिश करते हैं कि टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान दें। तो यहाँ पे हम वही मसाला पीस रहे थे, हम हमेशा मोबाइल में देख देख के काम करते हैं, ताकि एक होता है ना अगर आप काम करते हो तो कुछ सोचते सोचते करोगे, तो इसलिए हम देखते रहते हैं, मेरा ध्यान उधर भी रहे और सोचने का टाइम ना मिले, क्योंकि हम बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, हम सोचते ही रहते हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पर हम फटाफट से कढ़ाई भी बैठा दिए और स्टार्ट कर दिए बनाने के लिए तड़का फ्राई करने के लिए, और दाल बन चुका था ऑलरेडी, तो यहाँ पे बस हमको फ्राई करना था सारा प्याज व्याज काट वट के। गाइज, यहाँ तड़का फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं, अब जा रहे हैं आटा सान लेने। तो खाने में कैसा लग रहा है बताइएगा, उबाल एक आने देंगे एंड देन धनिया भी डालेंगे ऊपर से। फिर यहाँ पे निकले हम पतिदेव के साथ ऐसे ही थोड़ा सा घूमने के लिए, और यहाँ पे हम जब सासू माँ को दिए मोबाइल बनाने के लिए तो वो लेके जाने लगे, हम बोले अरे मोबाइल तो ले लेने दीजिए मेरा, तो फिर यहाँ पे रुके, और हम पता है मेरा तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रहा था इसलिए हम घूमने जा रहे थे, और सच में हम ऐसा होता है अगर मेरा तबीयत सही ना हो घूम ले तो मेरा थोड़ा सही लगने लगता है, सही फील करने लगते हैं, आप लोग बताइएगा आपके साथ ऐसा होता है क्या, मतलब लगता है कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए बस, तो जब भी ऐसा होता है तो मेरे पतिदेव के साथ हम चले जाते हैं घूमने और थोड़े देर में घूम के आ भी जाते हैं। तो यहाँ पे हम निकले थे, सोचे थे मार्केट भी चले जाएंगे इधर से ही, और ठंड था बट
हमेशा के अकॉर्डिंग थोड़ा कम था ठंड। और यहाँ पे हम निकले जब मार्केट में इतना देख सकते हैं लोग तो हैं ही, और बहुत लोग ऐसे दिखे ना जो स्वेटर नहीं पहने थे। हम देख के बहुत आश्चर्य हो रहे थे कि इतने ठंड में भी स्वेटर कैसे नहीं पहने लोग, एंड गर्ल्स भी शॉर्ट्स पहनी हुई थी। तो मेरे को उन लोगों को देख के मेरे को ठंड लग रहा था सच्ची कहें तो। फिर यहाँ पे मार्केट में थे और मार्केट का ज़्यादा नहीं लिए, बस थोड़ा सा लिए, और यहाँ पे जो हमारा साक्षी मार्केट है वहाँ पे चले गए थे और थोड़ा बहुत देखे। बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिल रहा था तो बस देख के आ गए, लिए नहीं कुछ, लेंगे अभी 2-3 दिन बाद फिर मार्केट जाना है तब। ऐसे तो घूमने निकले थे तो बाहर चले गए थे, सोचे देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। सो गाइस आगे बाहर से घूम के, क्योंकि थोड़ा सा मूड ऑफ ऑफ सा लग रहा था, और नहीं होता कभी भी, सिर में बहुत दर्द होता है और मेरा तबीयत थोड़ा वीक लगता है ना, तो मेरे को लगता है थोड़ा घूम ले, मेरा सही में ठीक हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए हम घूमने चले जाते हैं। कोई सोचेगा कि तबीयत खराब में रेस्ट होता है, ये घूमती है, सही में मेरे को घूमने से थोड़ा ठीक हो जाता है, तो इसलिए हम गए थे बाहर। और अभी फ़िलहाल आगे घर पे, और ये हेलमेट पहनने से हमेशा लग जाता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं हमेशा, मतलब मेरा अगर हेलमेट कोई पहन लिया तो उसको सिंदूर लग जाता है यहाँ। तो चलिए अब मिलते हैं कल, क्योंकि थकान हो गई है थोड़ी सी, उसके बाद बातें करते हैं सुबह में। तो ब्लॉग कंटिन्यू रहिए। फिर हम रूम में गए तो याद आया, अरे रोटी तो बनाए ही नहीं है और कोई खाया भी नहीं है। फिर आए जल्दी जल्दी से किचन में कपड़ा चेंज करके, और यहाँ पे हम मार्केट जाने से पहले आटा भी गूंद लिए थे और तड़का आप लोग देखे थे बना लिए थे, और सब्जी वगैरह था तो और कुछ बनाना नहीं था, बस रोटी ही बनाना था। तो यहाँ पे आ गए किचन में और जल्दी जल्दी से हम यहाँ रोटी बनाए ताकि सब लोग खा लें। गाइस झाड़ू लगा लिए पूरे रूम में, अब जा रहे हैं नहा लेने और फिर चलेंगे किचन में, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, पता है ड्यूटी सुबह सुबह होता है। और पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत खुजली हो रहा है, बताइए ना कैसे ठीक होगा। डैंड्रफ है शायद, उसके वजह से हो रहा होगा, और डैंड्रफ ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत खुजली, मतलब जिसके वजह से ना बहुत हम अपने सर पे छिल ली, वैसा हो गया। तो कुछ बताइएगा ना उपाय जिससे ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हम। तो चलिए मिलते हैं नहाने के बाद। फिर यहाँ नहाने के बाद आ गए किचन में, और आज हम बनाने वाले थे आलू गोभी का सब्जी और रोटी और पराठे जो बनता है, एंड बाद में सासू माँ चटनी भी पीस दी थी, तो इतना कुछ हो गया था। और यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से पहले तो आलू छील रहे थे, तब तक गैस पे बैठा दिए थे गोभी जो है गरम, मतलब उबलने के लिए, थोड़ा सा उबल जाता है तो ठीक रहता है ठंड के दिनों में, वरना बहुत कीड़े मकोड़े रहते हैं सब्जियों में, तो इसलिए। और यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से सब कुछ कर भी रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा लेट सा हो गया था, झाड़ू वाड़ू लगाने में लेट हो गया था, फिर नहाने चले गए उसमें लेट हो गया, तो इसलिए हम मतलब सोच रहे थे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे हम सारा कुछ मतलब बना लें। प्याज कट करने एंड आलू फ्राई करने के लिए। सो गाइस यहाँ अपना सारा कपड़ा जो है निकाल के रखे हैं अभी अपने इस ट्रंक में से, इतना खाली किए हैं उधर का, और ये भी देख सकते हैं भरा हुआ है। तो हम सोचे ये सबको अच्छे से अरेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी हम अपना अलमीरा भी अरेंज नहीं किए हैं, बस थोड़ा बहुत हुआ है जो हुआ है, तो इसको भी अच्छे से करना है।
इसमें थोड़ा बहुत कर लिए जो डेली यूज का है वो सब। फिलहाल यहाँ कपड़ा मेरे को डालना है छत पे, जो धो चुके हैं वाशिंग मशीन में। सो गए छत पे आए हैं कपड़ा डालने के लिए। मेरा आँख एकदम खुल नहीं रहा है, इतना ज़्यादा छींक आ रहा है ना, इतना ज़्यादा की हालत ख़राब हो गया है। तो कपड़ा कुछ धोए थे वाशिंग मशीन में, वहीं डालने के लिए आ गए हैं छत पे, क्योंकि फिर सूखेगा नहीं, ठंड का दिन है। और अभी जा रहे हैं सेट्राजिन खाने, और बहुत सारा आज काम था जैसा कि दिखाए मेरे को। सोचे कि पूरा अपना जो कपड़ा है वो अच्छे से अरेंज कर देते हैं, बट हिम्मत ही नहीं हो रहा है। सेट्राजिन खाएंगे, नींद आएगा, थोड़ा देर सो ही जाएंगे, वीडियो भी डालना है, ढेर सारा काम है। बट मेरे को जब छींक स्टार्ट हो जाता है ना, तो मेरा आँख एकदम नहीं खुलता, लगता है बंद किए रहे ऐसा हो गया है। तो जा रहे हैं अभी जल्दी से कपड़ा डाल देने। तो ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा गाइस। ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइज़।